हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 के बारे में, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास 6 की है। और आज की डेट कितनी है, 31/8/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि इस मंडे से लेकर ट्यूजडे तक के लिए, मंडे से लेकर बच्चों सैटरडे तक के लिए हमारे क्या है, वापस से जो कॉन्टेस्ट चल रहा था वो वापस से क्या हो गया बच्चों, ओपन कर दिया गया। इसमें आप सभी को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपना नेम लिखते हुए फुल वीडियो वॉच करते हुए अपने फ्रेंड्स के बीच में बच्चों क्या करना है, इसके लिंक को शेयर करना है, ठीक है। और संडे को एक विनर क्या होगा, अनाउंस किया जाएगा, जिसको क्या होगा, गिफ्ट दिया जाएगा। इस तरीके का कॉन्टेस्ट अभी लास्ट वीक भी चला और उसमें 2 विनर अनाउंस करेगा और दोनों ही विनरों को गिफ्ट क्या कर दिया गया बच्चों, पार्सल कर दिया गया। और जल्दी उन विनर्स की जो है गिफ्ट के साथ वीडियो भी आपको पब्लिश कर दी जाएगी, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया। तो इसमें दिया गया डार्क द सर्किल विद द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनको डार्क करना है और हर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर का है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मेनी डेज डज द मून मूव अराउंड द अर्थ, यानी कितने दिन में जो है अर्थ। तो बच्चों इसमें कहा गया कितने दिन में अर्थ के जो है चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है कौन, मून। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 27 दिन, ठीक है। इसके बाद नीचे बोला गया, हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ मून, पहला स्टेप या पहला कदम रखने वाला एस्ट्रोनॉट कौन है। तो बच्चों इसका है नील एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सी द फुल मून इन अ मंथ, तो कितनी बार देखते हो आप, एक बार देखते हो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स मेक अ केरला अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के लिए कौन सा जो है नीचे से जो है आपका गुड्स जो है अट्रैक्ट करता है ट्रेडर्स को, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइसेस, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे बच्चों अगला प्रश्न क्या दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द डेट ऑफ फुल मून नाइट एंड न्यू मून नाइट, ठीक है, इन दिस मंथ, यानी अगस्त 2021 में फुल मून नाइट और न्यू मून नाइट की कौन सी डेट थी, तो आपको ये बताना है। और 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका आंसर मैं आपको लिख कर दिखाता। तो बच्चों पहले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यू मून की डेट लिख लीजिए 28 अगस्त 2021, ठीक है। इसके बाद क्या है, फुल मून की लिख लीजिए 22 अगस्त 2021, ठीक है। ये 8 अगस्त 2021 हो जाएगा और ये 22 अगस्त 2021 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैटेलाइट, सैटेलाइट के से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो सैटेलाइट होती है उसका मतलब क्या है। तो ये 2 नंबर के लिए, इसका भी आंसर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। तो बच्चों आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में क्या लिख लोगे, अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट, प्लैनेट्स, ठीक है, जो प्लैनेट्स की ऑर्बिट में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों क्या, मून। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट अर्थ को हम लोग क्यों करते हैं, ये 2 नंबर के लिए आंसर है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, फ्रॉम द आउटर सरफेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट हैज 2/3 parts कवर्ड बाय, ठीक है, इट हैज 2/3 part कवर्ड बाय, ठीक है, बाय के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, बाय वाटर, हैंस इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, जिसकी वजह से ये क्या कहा जाता है बच्चों, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या होगा। तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक, इसमें बोला गया है द अर्थ इज दैट नियरेस्ट द प्लैनेट टू द सन, ठीक है, सन से अर्थ की कौन से रैंक में है, तो ये है 3rd बच्चों, इसका आंसर लिखो 3rd, THIRD 3rd। इसके बाद क्या हो जाएगा, द साइज इन द साइज इट इज 5th, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5th हो जाएगा साइज के अनुसार, ठीक है, लार्जेस्ट हो जाएगा, 5th लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड, यानी थोड़ा सा चपटा हुआ है, कहाँ पर, तो पोल्स पर, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, पोल्स पर, ठीक है। इसके बाद अगला देखो आंसर क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख के कोई 3 ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको लिखने हैं और 3 नंबर का आंसर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों आंसर नंबर 9 क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 9 हो जाएगा कोल्डेस्ट डेजर्ट, इसके बाद माउंटेनियस लैंड्स हो जाएगा और वैली हो जाएगा, ठीक है, आंसर नंबर 9 ये हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर लेना। चलो बच्चों देखते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फीचर्स मेक अ पीपल लाइफ डाइवर्स, ठीक है, यानी कि लोगों के बीच में जो बदलाव होते हैं, जो विविधता पाई जाती है, वो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से कैसे होती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों आंसर नंबर 10 लिखो, आंसर नंबर 10 क्या होगा, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दैट द फूड वी ईट एंड द क्लॉथ एंड वेयर्स
वे वी लुक, ठीक है, यानी कि जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर हैं, जो हम खाते हैं पहनते हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे हम दिखते हैं, ये ज्योग्राफिकल चेंजेस वाले हो गए। और हिस्टोरिकल फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हो जाएगा कल्चरल, हो जाएगा ट्रेडिशनल, हो जाएगा, ठीक है। हेंस द इंटरमिक्सिंग ऑफ अ कल्चर टू लुक टोक प्लेस, ठीक है, दिस इज वाई द ज्योग्राफिकल फीचर एंड हिस्टोरिकल कल्चर, ठीक है, हिस्टोरिकल, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, यही सब चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, उनके कल्चर्स आपस में मिल जाते हैं जब प्लेस बदलती है, ठीक है, और उनके लुक्स बदल जाते हैं आपस में, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है कल्चर में, और वही चीज़ क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर और हिस्टोरिकल का कुछ चेंजेस के कारण होते हैं, ठीक है। तो इसको आंसर नंबर 10 के रूप में आप क्या कर लेना बच्चों, लिख लेना। आते हैं, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया वर्कशीट में। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों, अगर आप 25,000 सब्सक्राइबर करवा देते हो बच्चों तो आपको क्या है, 10 लोगों को विनर अनाउंस करा जाएगा, वरना एक विनर है, ठीक है, और उस विनर का अनाउंसमेंट संडे को कर दिया जाएगा और उसे गिफ्ट भी दिया जाएगा। बस आपको करना है इतना है, वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट में अपना नेम लिखना है, और फुल वीडियो को वॉच करते हुए इसकी लिंक क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। धन्यवाद बच्चों।